आप सबका दिल से स्वागत है। 1912 में टाइटैनिक डूबी, 2012 में इटालियन क्रूज शिप यूरोपियन टूर के लिए निकली थी 4,252 लोगों को लेकर। वो लोग टाइटैनिक का ही सॉन्ग सुन रहे थे और उस वक्त शिप डूबने लगी। तो ऐसा क्या हुआ कि शिप डूबने लगी और उस वक्त कैप्टन ने क्या किया? नॉर्मली जो ऑटो ड्राइवर रहता है, पायलट रहता है, शिप का कैप्टन रहता है, वो हमेशा ये ध्यान रखता है कि कभी अगर कुछ तकलीफ आए तो हम कैसे करके पैसेंजर्स की जान बचाएं। बट ये कैप्टन ने जब कोई हादसा हुआ तब कुछ अलग ही चीज़ें की। आपको कहानी में पता चलेगा ये जो हादसा हुआ, जब आप ये सुनोगे कि ये हादसा कैसे हुआ तो आप बोलोगे क्या था, कितने पैसेंजर्स मरे और कितने पैसेंजर्स को बचाया गया और उसके अंदर भी जिन्हें बचाया जा रहा था उन्हें क्या क्या चीज़ करके बचाया गया। प्लस हमारे दो इंडियन हीरो थे, उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया लोगों की मदद करने के लिए। आज की कहानी आप इतना भी मिस मत करना। हम रोज़ की तरह छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और आपको पूरी कहानी बताता हूँ। Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. 13 जनवरी 2012, इटालियन क्रूज जहाज 7 दिन के यूरोप टूर के लिए निकलता है। 4,252 लोगों को लेकर 7 दिन की यूरोप टूर है तो हर कोई खुश है। अब हर शिप थोड़ी टाइटैनिक के जैसे डूबने वाला है, बट कभी कभी कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो किसी के कंट्रोल में नहीं होते। इस जहाज़ में जो हादसा हुआ वो कुछ अलग ही हुआ और उसके रीजंस अलग थे। जैसे टाइटैनिक उस ज़माने में लग्जरी जहाज़ था, वैसे कॉस्टा कॉनकॉर्डिया जहाज़ भी बहुत लग्जरी था। 4 स्विमिंग पूल, 5 रेस्टोरेंट, 13 बार्स, 1 कसिनो, जिम, बहुत सारी लग्जरी फैसिलिटीज़ थी उस जहाज़ में। पैसेंजर्स क्रूज़ के अंदर आ गए, 7:18 को जहाज़ निकला। इनका पहला डेस्टिनेशन था सवोना। नॉर्मली एक दिन लगता है वहाँ पर पहुँचने के लिए। बस जहाज़ चालू हुआ, 2 घंटे ही बीते थे और जहाज़ का जो नॉर्मल रूट था उससे जहाज़ भटक गया। मतलब जहाज़ ने दूसरा रास्ता लिया अचानक। ये कोई गलती से नहीं हुआ, कैप्टन सटीनो जो जहाज़ के कैप्टन थे उन्होंने जानबूझकर जहाज़ जहाँ पर उसकी डेस्टिनी की तरफ बढ़ रहा था वहाँ से उन्होंने टर्न मारा एक आइलैंड की तरफ, जिस आइलैंड का नाम था गिग्लियो आइलैंड। कैप्टन सटीनो चाहते थे कि वो जहाज़ को उस आइलैंड के पास से लेकर गुजरे ताकि रात के समय गिग्लियो आइलैंड पर जो लोग रहते हैं वो इस चमकते हुए जहाज़ का नज़ारा देख सके। अब जितना ये लोग आइलैंड के पास आए गए तो ये लोग को ज़मीन मिलेगी। नॉर्मली कोई जहाज़ रहता है वो समुद्र के बीच में रहता है ताकि कोई हादसा ना हो, ज़मीन से दूर रहता है। बट ये भाई साहब आइलैंड के पास से लेके जाना चाह रहे थे जहाँ पर ज़मीन थी। जब भी कोई जहाज़ ज़मीन के पास से होकर गुजरता है उसे सेल बाई या सेल पास्ट कहते हैं। अब जहाज़ किनारे से 150 मीटर की ही दूरी पे था, रात का समय था और जहाज़ फास्ट भी बहुत चल रहा था। अब जो कैप्टन सटीनो था उनका सिर्फ ये कारण नहीं था कि जहाज़ आइलैंड के पास से गुजरे और वहाँ के लोग जहाज़ को देखकर खुश हो रात के समय, बट और एक कारण था जहाज़ को आइलैंड के पास से निकालने का। बहुत साल पहले सीनियर कैप्टन मारियो पालोम्बो के अंदर कैप्टन सटीनो काम करते थे। अब मारियो कहाँ पर रहते थे? तो गिग्लियो आइलैंड पर। तो कैप्टन सटीनो ने मारियो को कॉल किया और कहा कि हम आपके आइलैंड के पास से गुजर रहे हैं, मैं आपके लिए सायरन बजाऊंगा और आपको एक ट्रिब्यूट दूंगा। मारियो कहता है बट इस वक्त तो मैं आइलैंड पर हुई नहीं, मैं तो दूसरे शहर में हूँ, और कॉल की लाइन कट हो जाती है। अब जहाज़ तो आइलैंड के काफ़ी नज़दीक आ गया था तो जिसका डर था वही हुआ। 9:45 PM को जहाज़ पानी के अंदर पत्थर था उससे टकराया और 70 मीटर तक जहाज़ का हिस्सा उस पत्थर ने चीर दिया। 9:45 का टाइम था, भयंकर आवाज़, इतनी ज़ोर से आवाज़ आई पूरा जहाज़ हिलने लगा। जो लोग सोए थे वो उठ गए, जो लोग डिनर कर रहे थे उनका खाना गिर गया, टेबल गिर गया और ब्लैकआउट हो गया, लाइट चली गई, मतलब इलेक्ट्रिक फेलियर हो गया। कोइंसिडेंट की बात थी, जहाज़ टकराया उसी के पहले
टाइटैनिक का सॉन्ग चल रहा था जो 100 साल पहले 1912 को जो शिप डूबी थी टाइटैनिक, उसी का सॉन्ग चल रहा था माय हार्ट विल गो ऑन, और उसी वक्त लाइट चली गई, ब्लैकआउट हो गया। अब जहाज़ के अंदर पानी एंटर होना चालू हो गया था। तीसरा ऑफिसर था एंड्रिया कोरोला, ये 26 साल का था, ये सो रहा था नींद में, बट जब ये हादसा हुआ तो उसकी नींद खुलती है, वो बाहर आता है, देखता है बाहर ऑलरेडी पानी एंटर हो चुका है। ये तुरंत इंजन रूम की तरफ भागता है, दरवाज़ा खोलने की ट्राई करता है, बट सिर्फ हाफ ही दरवाज़ा खुलता है। हाफ दरवाजे में से ये देखता है कि जनरेटर और इंजन पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। अब 9:52 को चीफ इंजीनियर और दूसरे ऑफिसर एमरजेंसी डीजल जनरेटर चालू करने की कोशिश करते हैं, अफसोस नाकाम रहते हैं। अब वो लोग जाकर कैप्टन सटीनो को बताते हैं कि हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, बट कैप्टन सटीनो अपने हिसाब से सोचते हैं। वो पैसेंजर्स को इन्फॉर्म करते हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है, लाइट गई है इसलिए ब्लैकआउट हुआ है, थोड़ी देर में सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। हो सकता है कि उन्होंने उस वक्त ये सोचा कि पैसेंजर पैनिक ना हो, बट जब दूसरे ऑफिसर्स ने कहा कि हालत ख़राब हो चुकी है, तब उन्हें फटाफट कांटेक्ट कर देना था हायर अथॉरिटी को, तो पैसेंजर्स के रेस्क्यू के लिए जल्दी लोग आ जाते हैं। इन्होंने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया, प्लस पैसेंजर्स को भी नहीं बताया। जो केबिन के अंदर पैसेंजर्स लोग सोए होंगे, वहाँ पर अगर पानी आ गया तो वो लोग वहाँ पर ही ब्लॉक हो सकते हैं, दरवाज़ा भी नहीं खुलेगा। अब जहाज़ तो चलते जा रहा था वो टक्कर लगने के बाद, बट करीबन 10 बजे कैप्टन ने एक डिसीज़न लिया जो राइट डिसीज़न था। उन्हें लगा मैं जहाज़ को घुमा देता हूँ, क्योंकि ये जहाज़ में टक्कर लगी है, अंदर पानी आने का चालू हो गया है, अगर ये जहाज़ बीच समुंदर में पहुँच गया तो तब लोगों को बचाना मुश्किल होगा, अगर ये जहाज़ आइलैंड के पास ही रहा तो कुछ हद तक हम लोगों को बचा सकेंगे। अब टर्न तो हो गया जहाज़, पहले लेफ्ट साइड में टिल्ट था, अब राइट साइड से झुकने लगा, टिल्ट होने लगा जहाज़। अब ये न्यूज़ बाहर फैलने लगी और एक ऑफिसर रॉबर्टो फेरानी ने कैप्टन सटीनो को कॉल किया और पूछा क्या तुम्हारे जहाज़ में कुछ प्रॉब्लम है, तो पहले कैप्टन ने ना कह दिया। थोड़ी देर बाद उसी ऑफिसर ने कैप्टन सटीनो को फिर से कॉल किया, तो इस बार कैप्टन सटीनो ने कहा कि हाँ एक एक्सीडेंट हो गया है, बट जो सच्चाई थी वो नहीं बताई, बोलना चाहिए था शिप टकरा गई पत्थर से, एक्सीडेंट हुआ इसलिए लाइट गई। कैप्टन सटीनो कहते हैं लाइट गई इसलिए एक्सीडेंट हुआ, मतलब उनको अपनी गलती नहीं बतानी थी कि मैं डेस्टिनेशन पर जाने की जगह पर मुझे था पास्ट में जो मेरा सीनियर था उसे ट्रिब्यूट देने के लिए मैं इतने लोगों की जान को दाव पर लगाकर आइलैंड के पास शिप को लेकर गया और वहाँ पर शिप पत्थर से टकरा गई और ये सब चीज़ें हो गई। उन्हें नहीं चाहिए था कि ये बात लोगों को पता चले, वरना कैप्टन सटीनो की बैंड बज जाती। शिप के अंदर जो पैसेंजर्स थे सब डर चुके हैं, सब लोगों को लग रहा है टाइटैनिक जैसा जहाज़ अब डूब रहा है। वहाँ पर लोगों के पास फ़ोन था, लोगों ने वहाँ की लोकल पुलिस को फ़ोन किया, लोकल पुलिस ने फ़ोन किया कैप्टन सटीनो को कि भाई क्या चल रहा है, तो कैप्टन सटीनो ने कहा आप चिंता मत करो कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ ब्लैकआउट हुआ है। उन्हें भी पूरी हकीकत नहीं बताई, बट आखिर में जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया तब उन्होंने उनकी हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दिया कि हमारे जहाज़ का एक्सीडेंट हो गया है, हमारी हेल्प करो। और थोड़ी देर में 10:33 को कैप्टन सटीनो ने डिसीजन लिया और जनरल इमरजेंसी अलार्म रेस की, लोगों को इन्फॉर्म किया इमरजेंसी असेंबली एरिया में आ जाए, बाकी की इंस्ट्रक्शन वहां पर मिलेगी, तब तक जहाज़ 30 डिग्री तक राइट साइड में टिल्ट हो गया था, झुक गया था। अब वहां पर लोग जितने पहुंच सकते थे वहां पर पहुंचे। कैप्टन ने 10:54 को ये ऑर्डर दे दिया जहाज़ को अबेंडन किया जाए। बस ये चीज़ थी, उसके बाद जो सबसे पहला इंसान था जो शिप छोड़कर भाग गया वो था कैप्टन सटीनो। आप कैप्टन हो, आपको एंड तक रहना है, आपके ऊपर लोगों की जिम्मेदारी है, तो आप इतना डर गए कि आप ही निकल लिए सबसे पहले। अब ये इन्फॉर्मेशन तो पैसेंजर्स को मिली, बट उसके पहले से काफ़ी क्रू मेंबर्स वो लोग को पता था कैप्टन सटीनो रॉन्ग कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, तो उन लोगों ने कैप्टन ने ऑर्डर दिया उसके पहले पैसेंजर्स को लाइफ बोट में बिठाना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर एंट्री होती है हमारे दो इंडियन हीरो की, करना था रमेशाना मैडम जो एक सिक्योरिटी स्टाफ थी। जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है तब क्या क्या चीज़ें की जाए उसके लिए उन्हें ट्रेन नहीं किया गया था, बट उन्होंने अपनी जान पे खेलकर एक ब्लाइंड औरत को लाइफ बोट में बिठाया। वो जिनकी मदद कर सकते थे उन सबकी मदद कर रहे थे,
चाहे लोगों को लाइफ जैकेट पहनाना हो या लोगों को लाइफ बोट तक पहुंचाना हो। सेकेंड थे हमारे हीरो रसेल रबेलो, वेटर थे बट उन्होंने आखिरी सांस तक लोगों की मदद की। उन्होंने अपना खुद का लाइफ जैकेट एक पैसेंजर को दिया पैसेंजर की जान बचाने के लिए, बट वो खुद की जान नहीं बचा सके। खबरों के मुताबिक उनकी मौत पानी में डूबने से हुई। अब बाकी के भी जो क्रू मेंबर्स थे, जो पैसेंजर्स व्हील चेयर पर थे, क्रू मेंबर्स ने उन्हें अपने कंधे पर बिठाया और लाइफ बोट तक पहुंचाया। लाइफ बोट पर बैठने के लिए बहुत भागम दौड़ी हो रही थी, बट वहां पर भी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे और जितने क्रू मेंबर्स थे वो लोग अपनी ड्यूटी ऐसे वक्त में बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे थे। वो लोग पैसेंजर्स के पास जाते थे, पैसेंजर्स को लाइफ बोट में बिठाते थे, फिर दूसरे पैसेंजर के पास जाते थे और उनकी हेल्प करते थे। वहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं था कैप्टन सटीनो जैसा जो खुद सबसे पहले अपनी जान के बारे में सोच रहा था। क्रू मेंबर्स को, ऑफिसर्स को सबसे पहले पैसेंजर्स की चिंता थी कि पैसेंजर्स की जान बचाई जाए। शिप 50% तक पानी में डूब चुका था, टिल्ट हो चुका था राइट साइड में। अब तक 3 लोग की मौत हो चुकी थी। अब गिग्लियो आइलैंड पर सब लोगों को पता चला, वहाँ से लोग आने लगे मदद करने के लिए इन लोगों की। गिग्लियो आइलैंड के जो डिप्यूटी मेयर थे वो खुद आए जब उन्होंने देखा कि पानी के कुएं बन गए हैं और उसके अंदर लोग अटक गए हैं। इन्होंने रस्सी का इंतज़ाम किया, अपने साथ लोगों को लेकर गए और रस्सी से लोगों को बाहर निकाला। जहाँ पर ये सब चीज़ें चल रही थी वहाँ पर कैप्टन सटीनो बैठे हुए सिर्फ नज़ारा देख रहे थे। उन्हें एक बड़े ऑफिसर का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि भाई तू वहाँ पर जा और देख कौन कौन फंसा हुआ है। तो कैप्टन सटीनो एक्सक्यूज़ बनाने लगे नहीं जाने के लिए। अब जो बड़ा ऑफिसर था वो बहुत भड़क गया कैप्टन सटीनो पर और कहा उन्हें बहुत गलत किया है, ऐसे मुश्किल वक्त में कैप्टन को पैसेंजर की मदद करनी चाहिए, तू वहाँ से निकला कैसे, तू फिर से वहाँ पर जा और पता कर कि वहाँ पर कितने लोग फंसे हैं। बट कैप्टन सटीनो आखिर नहीं गए। अब तक 2,500 से 3,300 लोग को बचा लिया गया था और गिग्लियो आइलैंड पर स्कूल, चर्च, कैंटीन ये सब जगह खोल दी गई थी। जिन पैसेंजर्स को बचाकर उस आइलैंड पर लाया गया उन्हें ड्राई कपड़े, ब्लैंकेट सब प्रोवाइड किया गया था। रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर के साथ, नाव के साथ वहां पर पहुंच गई थी, लोगों को निकाले जा रही थी। अभी भी 400 लोग अंदर फंसे हुए थे जिन्हें निकालना बाकी था। पानी पूरी तरीके से अंदर आ गया था, लोग केबिन के अंदर फंस गए थे। जैसे मैंने बताया था कि अगर वो पहले बता देता, कैप्टन सटीनो पैसेंजर्स को पहले इन्फॉर्म कर देते तो लोग केबिन से बाहर आ जाते हैं। बहुत सारे लोग सो गए होंगे, तब पानी अंदर घुस गया होगा तो, और पानी का प्रेशर इतना था कि केबिन का दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा था, तो बहुत सारे लोग केबिन के अंदर फंस गए थे। लोगों को वहां से निकाला गया बट फाइनली 32 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, बाकी लोगों को बचा लिया गया। कैप्टन सटीनो के ऊपर केस हुआ, उन्हें 16 साल की जेल हुई। कैप्टन सटीनो की एक गलती ने पैसेंजर्स की जान मुसीबत में डाल दी। आपने अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो मेरे चैनल पर रीबर्थ की सच्ची कहानी, टाइम ट्रैवलर की सच्ची कहानी, प्रियंका चोपड़ा की कहानी, श्रद्धा कपूर की कहानी, सोडी जब मिसिंग था तब क्या क्या चीज़ें हुई थी वो कहानी, जॉन इब्राहिम की कहानी, तमन्ना भाटिया की कहानी, सस्पेंस कहानी, मिस्ट्री कहानी, ब्लैक मैजिक की कहानी, बहुत सारी सच्ची कहानियाँ हैं जिसे देखकर आपको अच्छा लगेगा। और अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 ग्लास पानी पीने के, इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।